पूजनीय संत समाज, आज सद्गुरु कबीर का एक पद है, बुझ बुझ पंडित पद निर्बान, सांझ परे कहवा बसे भान। ऊंच नीच पर्वत ढेला ना ईंट, बिनु गायन तहवा उठे गीत। ओस न प्यास मंदिर नहीं जहवा, सहसों धेनु दुहावे तहवा। नित अमावस नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पांत। मैं तो ही पूछो पंडित जना, हृदया ग्रहण लाग के ही खाना। कहाँ ही कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। बीजक का ये शब्द 49 है। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, कबीर साहब के जो पद हैं, उनकी जो वाणी है, वो लोगों से वार्ता करते हुए, बात करते हुए कही गई है। वो काशी में पंडितों के बीच में रहे हैं और पंडितों से कबीर का बड़ा प्रेम था। साहब के पास वो आते थे, साहब उनके पास जाते थे और उनका एक मधुर वार्तालाप होता था। कभी वो साधारण सी बातों पर पंडितों को झिड़क देते थे, तो कभी उन्हें पुचकारते थे और उनसे बातें करते थे। जब कोई ऊंचे पंडित, शास्त्र ज्ञानी उनसे मिलने आते, तब वो उस ऊंचे ज्ञान की बातें करते, जब कोई साधारण आता तो साधारण ढंग से बातें करते। यह जो पद है, यह बीजक के गूढ़ पदों में से एक है। यहां पर जो पंडितों का स्तर है वो ऊंचा है और जो चर्चा है वो निर्वाण पद पर चर्चा है। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, ऐ पंडित निर्वाण पद को बूझो। निर्वाण का अर्थ अगर शब्दकोश में देखा जाए तो उसका अर्थ हो बुझ जाना। क्या बुझ जाना, यह वहां पर नहीं बताया जाता है। तो लोग समझते हैं बुझ जाने का अर्थ होता है आत्मा का बुझ जाना, जीव का बुझ जाना। वस्तुतः वासना का बुझ जाना निर्वाण है। मन में जो आग जलती है, जो आग आदमी को पागल किए रहती है, उस आग का बुझ जाना माने व्यक्ति का निर्वाण हो जाना, व्यक्ति का मोक्ष हो जाना। सद्गुरु पूछते हैं, बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, निर्वाण पद मोक्ष पद को बूझो, बताओ ऐ पंडितों। सांझ परे कहवा बसे भान, भाषा का जो लालित्य है, भाषा की जो मिठास है कबीर साहब की, कैसे खिलती है, जैसे कोई कली खिल रही हो। सांझ परे, सांझ पड़ने वाली है, भान बताओ सूरज, भान मतलब भानु,
भानु कहां बसेगा अब? साहब शाम के वक्त गंगा घाट की सीढ़ियों पर बैठे हुए पंडितों से बात कर रहे होंगे और दूर नदी पर कहीं सूरज डूबता होगा। सदगुरु पूछते हैं, अब शाम होने को आई, बताओ सूरज कहां डूबेगा, इसकी क्या गति है? ऊंच नीच ढेला, क्या बात है, क्या यह किसी ऊंचे पहाड़ के पीछे छिप जाएगा या यह किसी पाताल में नीचे चला जाएगा या किसी बिल्डिंग के पीछे छिप जाएगा? बताओ पंडित, जब सांझ होती है तो यह सूरज कहां चला जाता है? ऊंच नीच पर्वत ढेला ना ईंट, किसी के पीछे नहीं जाता सूरज, ना सुमेरु पर्वत के पीछे छिप जाता है, ना पाताल में चला जाता है, ना किसी ईंटे के बने हुए मकान के पीछे चला जाता है। साहब संकेत क्या कर रहे हैं? सांझ पड़ने का अर्थ है मौत का करीबुल, मौत का करीब होना। जब मौत तुम्हारे सामने हो, तुम विदा होने वाले हो, तो बताओ तुम्हारा जीव, तुम्हारी आत्मा वो कहां जाती है? तुम्हारे शास्त्र क्या कहते हैं? क्या शरीर का छूटना जीव का मरना है या जीव कहीं किसी लोक में चला जाता है, किसी प्रभु में मिल जाता है? तुम किसे निर्वाण मानते हो ए पंडित? धर्म शास्त्रों में बड़ी महिमा है और बड़ी चर्चा है कि जीव शरीर छोड़कर कहां जाता है, किस लोक में जाता है, इसकी क्या गति होती है? क्योंकि यह विषय इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता, इंद्रियों के लिए यह विषय अगम्य है, इसलिए मन की उसमें बड़ी रुचि होती है कि मरने के बाद क्या होता है जीवन में। जैसे आप एक कमरे में बैठे हों, जैसे आप अपने घर में बैठे हों, आप अपने घर में जैसे सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, खाते पीते हैं, और दूसरा आदमी अपने घर में उठता बैठता खाता पीता है, सभी घरों में एक जैसा ही जीवन जिया जाता है, लेकिन सबको जिज्ञासा होती है कि दूसरे वाले घर में क्या बन रहा है, क्या हो रहा है। इस बात को समझो, जैसे तुम अपने घर में जो जो कुछ करते हो बस वही वही दूसरे घर वाले अपने घर में करते हैं। घरों का अंतर हो सकता है, वो किसी गरीब की झोपड़ी हो सकती है या किसी अमीर का महल हो सकता है, लेकिन जीवन यापन का जो काम एक झोपड़ी में होता है वही काम एक महल में होता है। आज शरीर धर करके तुम जो काम कर रहे हो, मरने के बाद फिर शरीर धर करके तुम फिर वही काम करोगे, कुछ खास नहीं, कुछ अलग नहीं। लेकिन आदमी का मन कुछ कल्पना चाहता है, कुछ मनोरंजन चाहता है, कुछ लीला चाहता है, कुछ हवाई बात चाहता है,
तो आदमी के मन ने स्वर्ग रचे हैं, लोक रचे हैं, परमात्मा रचे हैं, स्वर्ग पताल और वैतरणी और फलाना और ठिकाना रचा है। साहब कहते हैं इन सब के चक्कर में न पड़ो, बताओ पंडित, बताओ ये मोक्ष का पद क्या है। जब जीव का शरीर छोड़ने का वक्त आता है तो जीव कहां जाता है? और कबीर साहब एक समाधान दे रहे हैं कि जैसे सूरज किसी के पीछे आगे छिप नहीं जाता है, वह जहां है वहां है, वैसे ही जीव कहीं किसी में मिल नहीं जाता, कहीं चला नहीं जाता। और उसकी स्थिति कैसी है? ऊंच गायन तहवा उठे गीत, वहां कान नहीं होते, समाधि में इंद्रियां और इंद्रियों का प्रपंच शून्य जैसा होता है। वहां कोई कड़वा नहीं बोलता, न कोई मीठा बोलता है, मन वहां सारे संकल्प विकल्पों से मुक्त होता है। साहब कहते हैं वहां पर गीत उठता है, एक अनाहत नाद जिसको मुनियों ने कहा है। समाधि की वह दशा बिनु गायन तहवा उठे गीत, लगातार गीत उठ रहे हैं, अंतर संगीत। बाहर के गीत नहीं, बाहर की बात नहीं। उस न प्यास मंदिर नहीं चहवा, उस पौधों की पत्तियों पर सुबह जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो रात का जो पानी होता है वह चमक उठता है, सोने जैसा, चांदी जैसा। और जैसे जैसे धूप तेज होती जाती है वह पानी पत्तियों से वाष्पीकृत होकर के हवा में चला गया, जमीन में चला गया। ओस थोड़ी देर को रहती है और चमकती है, विषयों के भोग थोड़े समय के लिए होते हैं और आकर्षित करते हैं मन को। ये जो ओस शब्द है, ओस का अर्थ है विषय भोग। आंखों को रूप विषय अच्छा लगता है, कानों को शब्द विषय, जीभ को भोजन अच्छा लगता है, स्वाद अच्छा लगता है, रस अच्छा लगता है। भिन्न भिन्न इंद्रियों के भिन्न भिन्न विषय हैं। साहब कहते हैं ओस नहीं, प्यास नहीं। वह जो समाधि की स्थिति है वहां विषय भोग नहीं है और विषय भोगों की चाह नहीं है मन में। मंदिर नहीं चाहवा, वहां कोई महल नहीं है, कोई अटारी नहीं है जहां जीव विश्राम पाता है। लेकिन फिर भी ओस नहीं है, प्यास नहीं है, विषय भोग नहीं है, विषय भोगों के लिए इंद्रियों की उत्तेजना नहीं है और कोई अलग से विश्राम स्थल नहीं है। मन के लिए तुम कौन सा विश्राम स्थल बनाओगे भला? जो होटल बनाए हैं, जो सिनेमा घर बनाए हैं, जो खेल के मैदान बनाए हैं, जो युद्ध भूमि बनाई है,
ये सब तो मनोरंजन के लिए है, विश्राम के लिए नहीं है। ओस न प्यास मंदिर नहीं जहवां, वहां पर समाधि में ये कुछ नहीं है, लेकिन सहसों धेनु दुहावे तहवां, सहसों सहस्रों धेनु मतलब गाय, सहस्रों धेनु वहां दुही जाती हैं। किसी आदमी के एक धेनु हो, एक गाय हो, वह संपन्न है। उसकी अगर 10 गाय हो तो बहुत संपन्न माना जाएगा, 100 गाय हो क्या पूछना, और किसके सहस्रों गाय हो, हजारों लाखों गाय हो, वह किसी के यहां क्या मांगने जाएगा, वह तो अपने घर में संतुष्ट होगा। धेनु की जो चर्चा है यह उपनिषदों की चर्चा है। गाय को पहले धन माना जाता था, उपनिषद काल में सभ्यता के उस स्वर्णिम मोड़ पर लड़की और गाय इन दोनों को पूज्य माना गया था। गाय को मारना बंद कर दिया गया था, उसका शिकार वर्जित हो गया था, उसका पालन होता था, और जो घर की बेटियां होती थीं वो उसको दूहती थीं, दूध दूहती थीं, दौहित्री। दूध दुहने की वजह से लड़की को दौहित्री कहा गया। तो उस जमाने में गायों की बड़ी महिमा थी। जब कोई ऋषि किसी सभा में ब्रह्मचर्या में विजयी होता था तो उसको 1000 गायें दे दी जाती थी। ये वहां की चर्चा है, धेनु गायें, और वो संपन्न ऋषि अपने आश्रम में रहते थे। सहसों धेनु दुहावे तहवां, वह जो आत्मलीनता की दशा है, समाधि की दशा है, इंद्रियों की प्रपंच शून्यता की दशा है, वह अमृत वर्षणी है। नित अमावस नित संक्रांत, अमावस, अमा मतलब साथ साथ, वस मतलब बसना, साथ साथ बसना। आकाश में एक ऐसी स्थिति आती है जब सूरज और चांद एक साथ बसते हैं, पृथ्वी उनके बीच में नहीं आती है। सूरज और चांद, पृथ्वी किनारे। उस रात चांद बीच में आ जाता है पृथ्वी के और सूर्य के बीच में, तो सूरज की रोशनी पृथ्वी तक नहीं पहुंचती है, बीच में चांद आ जाता है, तो चांद की परछाई पृथ्वी पर पड़ती है, तो पृथ्वी पर उस रात अंधेरा होता है, उसे अमावस कहते हैं। यह जब कृष्ण पक्ष होता है तब अमावस, जब शुक्ल पक्ष होता है तब पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की रात सूरज और तब पृथ्वी बीच में और चांद किनारे। तो जब पृथ्वी बीच में आ जाती है तो सूरज की रोशनी पृथ्वी पर रात में भी आती है, उसे हम चांदनी रात कहते हैं। यह शुक्ल पक्ष है। अमावस को सूरज और चांद एक साथ रहते हैं।
चांद मन का देवता है और सूरज आंखों का, ज्ञान का। जब मन रूपी चांद ज्ञान रूपी सूर्य के साथ साथ बसे, जब मन ज्ञान में आलोकित हो, ज्ञान में प्रकाशित हो, तो साधक के लिए वह है अमावस्या, नित अमावस। सदगुरु कहते हैं ज्ञानी के लिए, आत्मलीन साधक के लिए नित अमावस, हर क्षण अमावस है। नित संक्रांति, हर पल संक्रांति का है। संक्रांति का मतलब होता है एक राशि से दूसरी राशि में जाना। जैसे कोई लड़की का ब्याह हो और ब्याह होने के बाद वह अपने पिता के घर को, अपने नैहर को छोड़ करके ससुराल जाती है, तो यह उसका संक्रमण काल है। उसका शरीर, उसका मन दोनों ही इस बात से आहत होते हैं कि मुझे अपने माँ को, अपने पिता को, अपने बंधु बांधवों को, इन गलियों को, सखियों को छोड़ करके अब एक नई, एक अनजानी जगह पर जाना है जहां अनजाने लोग हैं। तो उसका मन इस बात को लेकर के रो देता है, सब छूट रहा है। यह संक्रमण की स्थिति है। जब कोई साधक अपने माने हुए घर, अपने माने हुए परिवार, माता पिता, जगह जमीन, उन परिस्थितियों को छोड़ करके जब अपने गुरु के पास जाने के लिए निकलता है, तो यह भी उसका एक संक्रमण है। पहले का जो जाना है वह छूट रहा है और आगे अभी जो आने वाला है उसके बारे में उसको जानकारी नहीं है। धीरे धीरे अगर वह साधना करेगा तो खिलेगा, साधना नहीं करेगा तो मुरझा करके वापस लौट जाएगा। जो समाधिलीन, जो आत्मलीन साधक होता है, नित संक्रांति, वह नित संक्रमण में जीता है, नित संक्रमण में उसका मन रहता है। वह अपने मन को बाहर से खींच करके भीतर की ओर लाता है। बाहर के प्राणी पदार्थों, बाहर की चीजें, बाहर का अट्रैक्शन, बाहर का आकर्षण, वहां से अपने मन को समेटता है, समेटता है, समेटता है, भीतर लाता है, भीतर लाता है। और सहयोग कौन करता है? उसकी इंद्रियां और उसके मन के सहयोग से ऐसा हो पाता है। नित अमावस, उसका मन ज्ञान से आलोकित है, ज्ञान और उसके मन में अब कोई दूरी ना रही। वह नित अपने मन को विषयों से खींच करके अंदर की ओर लाता है, यही उसकी साधना है। नित नित नवग्रह बैठे पांती, नवग्रह एक पंक्ति में बैठ गए हैं। जैसे कहीं भोजन के लिए जाना हो, लोग कहें पंगत में बैठो भाई, पंगत में बैठो, तुरंत लोग पंगत में बैठ गए। साहब कहते हैं नित नित नवग्रह बैठे पांती, नित हमेशा ये जो नवग्रह हैं ये बैठे हुए हैं एक पंक्ति में। ये जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं और ये जो मन है, चतुष्टय अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जो आंख नाक कान जीभ मुंह चाम, ये जो है ये साधक के कंट्रोल में है। आंखें उसे मजबूर नहीं कर सकती, कान उसे मजबूर नहीं कर सकते, जीभ मजबूर नहीं कर सकती, क्योंकि मन उसके वश में है। ये पांचों ज्ञानेंद्रियां और ये मन बुद्धि अंतःकरण, जो चतुष्टय अंतःकरण कहा जाता है, मन चित बुद्धि अहंकार, इन सब को साधक ने एक तरफ बैठा दिया है। तुम नौ चुपचाप यहां बैठोगे, इधर उधर नहीं हिलोगे,
नित नित नवग्रह बैठे पांत। एक ऐसी मानसिक स्थिति साधना करने वालों ने पाई है जहां उनके मन की चंचलता शून्य हो जाती है और वह जो सुख है, वह जो स्थिति है, अमृत वर्षणी, दुग्ध वर्षणी, अनाहत नाद उठता है। साहब इसके साक्षी थे। मैं तो ही पूछूं पंडित जना, ए पंडितों बताओ मुझे, हृदय ग्रहण लाग के ही खाना, किस क्षण तुम्हारे हृदय ग्रहण लगे, किस क्षण तुम्हारे हृदय में ग्रहण लगा, बताओ मुझे। तुम इस हकीकत को नहीं देख पा रहे हो, तुम सच को नहीं समझ पा रहे हो। क्या तुम्हारे हृदय में ग्रहण लगा हुआ है? तुम इस निर्वाण पद को नहीं समझ पा रहे हो, इस आत्मलीनता को नहीं समझ पा रहे हो, और तुम लोगों के कान फूंकते हो और कान फुकवाते हो। और तुम्हें कुछ नहीं पता है इस स्थिति के बारे में। तुम धंधा करते हो निर्वाण के नाम पर। मैं तो ही पूछूं, कैसे साहब बोलते हैं, कितना साहसी थे कबीर। मैं तो ही पूछूं, मैं तुमसे पूछता हूं। लिंडा हेस अमेरिका की एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने बीजक का अंग्रेजी में अनुवाद किया है और उन्होंने इसकी भूमिका में लिखा है, कबीर एक मुक्केबाज की तरह है, पंडित से प्रश्न करते हैं, स्याहा सफेद की राता, पियरा औरण वर्ण गिताता, सीरा हिंदू तुर्क की बूढ़ो, बारा नारी पुरुष का करहु बिचारा, कहिए काहे कहां नहीं माना। स्याह है कि सफेद है, काला है कि पीला है, स्त्री है कि पुरुष है, औरण है कि वर्ण है, बताओ, प्रश्न करते हैं बॉक्सर की तरह। कबीर क्वेश्चंस लाइक ए बॉक्सर, जैसे मुक्केबाज अपने विरोधी पर लगातार मुक्के बरसाता है, वैसे कबीर पंडितों से प्रश्न करते हैं। और जैसे हजार प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, कबीर ब्राह्मण को अदना समझते हैं, अदना तुच्छ। मैं तो ही पूछूं पंडित जना, हृदय ग्रहण लाग के ही खाना, किस क्षण तुम्हारे हृदय में ग्रहण लगा, तुम्हारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, तुम इस स्थिति से चूक गए, तुम दुनियादारी में फंस गए। कहा ही कबीर इतनों नहीं जान, इतना भी तुम ना जान पाए, जैसे साहब के लिए बहुत छोटी चीज हो ये। पंडित अपना सर्वस्व देकर के भी इस स्थिति को नहीं समझ सकता और संत के लिए इतनों नहीं जान, इतनी सी बात संत के लिए बड़ी साधारण सी बात हो जाती है। कौन शब्द गुरु लागा कान। साहब चैलेंज करते हैं, जैसे पलटू साहब ने आज सुबह कहा था कि बिना दवात, बिना कागज, बिना लेखनी के जो हो उसको मैं पंडित कहता हूं। जो इस स्थिति में जीता हो वह पंडित है। और कहां ही कबीर इतनों नहीं जान, इतना भी नहीं जान पाए तुम। कौन शब्द गुरु लागा कान, किस गुरु ने तुम्हारे कान में मंत्र फूंका है, जरा बताओ तो। अध्यात्म आग है, आग, और अगर वह न जलाए तो धूल है, धूल। अध्यात्म अगर तुम्हें पागल ना बना दे तो अध्यात्म नहीं है।
धार्मिक होना माने बनिया होना नहीं है, धार्मिक होना माने दुकान चलाना नहीं है। जो दुकान चलाना जानते हैं, जो बनिया होना जानते हैं, वो साधु नहीं है, एकदम निश्चित है ये बात। जिन्हें दुकानदारी का शौक है वो दुकान चलाएं, और धर्म की दुकान भी चलाई जा सकती है। कबीर जैसे लोग धर्म की दुकान नहीं चला सकते हैं, वो असफल हैं, उन्हें मगहर शोभता है, काशी नहीं। बुझ बुझ पंडित पद निर्वाण, सांझ परे कहाँ बसे भान, ऊंच नीच पर्वत ढेला ना ईंट, बिनु गायन तहवा उठे गीत, ओस न प्यास मंदिर नहीं जहवा, सहसों धेनु दुहावे तहवा, नित अमावस नित संक्रांत, नित नित नवग्रह बैठे पांत, मैं तुह पूछो पंडित जना, हृदया ग्रहण लाग के ही खाना, कहां ही कबीर इतनो नहीं जान, कौन शब्द गुरु लागा कान। सदगुरु के एक शब्द के आधार पर थोड़े से कुछ विचार रखने का प्रयास किया। यह जो मैंने कहने का प्रयास किया ये अनधिकार है, जो इस स्थिति में जीता हो वो धन्य भागी है, क्योंकि यह उसका अनुभव है। मैं इसको बुद्धि के जोर से समझ करके कहने का प्रयास किया, इसको प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। लेकिन जिसने इसकी व्याख्या लिखी है और जिसने ये शब्द कहे हैं वो प्रामाणिक लोग थे। उसी को पढ़ करके कुछ प्रयास किया, अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।